बीसीसी ऑल स्टूडेंट, आप सभी का काउंसलिंग तुरंत स्टार्ट होने वाला है। कब से स्टार्ट होने वाला है वीडियो के लास्ट तक पता चलेगा। उससे पहले काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है, बहुत सारे कमेंट कर रहे थे भैया काउंसलिंग टाइम क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और काउंसलिंग करने का प्रोसेस बता दो, तो सारे में सारी चीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे समझ में आ जाए। और बहुत कोई का क्वेश्चन आ रहा था कि भैया आप रिप्लाई नहीं देते हो। भाई मैं जिस स्थिति में अभी हूँ रिप्लाई नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आपके समय से पहले ज़रूर रिप्लाई देता हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखो और समझ में खुद पे खुद आ जाएगा। और हर वीडियो में हम नोटिफिकेशन की जानकारी देते रहते हैं और आपका रिप्लाई भी दे चुके हैं, लेकिन आप बार बार एक ही क्वेश्चन को करते जिसके कारण मेरा रिप्लाई नहीं जा पाता। लेकिन टेंशन नहीं लीजिए, अब सभी का रिप्लाई मिलेगा। हम आज डिस्कस करने वाले हैं ज्वाइंट काउंसलिंग हो गया, एग्रीकल्चर ग्रुप के काउंसलिंग हो गया, और ज्वाइंट काउंसलिंग में पीसीएम और पीसीबी दोनों कर सकते हैं। हाँ, ज्वाइंट काउंसलिंग में पीसीएम और पीसीबी दोनों कर सकते हैं, और एग्रीकल्चर काउंसलिंग में ओनली एग्रीकल्चर ग्रुप के सभी स्टूडेंट एमसीए, पीसीए, एमबीए, सीबीए, यह सारे ग्रुप के लोग कर सकते हैं। तो काउंसलिंग करने की एक प्रोसेस होती है जिसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले बता दी काउंसलिंग के लिए क्या जरूरी है। तो काउंसलिंग के लिए ओनली रैंक कार्ड, हाँ सही सुन रहे हैं, केवल रैंक कार्ड जरूरी है। अब रैंक कार्ड में ओनली आपका रोल नंबर, हाँ केवल रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैंडिडेट का नेम। आपका अगर काउंसलिंग करना है तो आपका नाम चाहिए जो एडमिट कार्ड पर है, डेट ऑफ बर्थ चाहिए जो एडमिट कार्ड पे है, रोल नंबर जो एडमिट कार्ड पे है, यह तीन चीज़ है तो आपका काउंसलिंग हो जाएगा। और कोई भी काउंसलिंग करने से पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो वीडियो एक हम दे रहे हैं उसको देख लीजिएगा। जैसे इंजीनियरिंग का वहाँ पे मैंने काउंसलिंग करके दिखाया है, सेम प्रोसेस आपका एग्रीकल्चर ग्रुप का होने वाला है और ज्वाइंट ग्रुप का होने वाला है। ज्वाइंट के लिए पीसीएम पीसीबी के लिए पोर्टल ओपन होगा, और एग्रीकल्चर के लिए ओनली एग्रीकल्चर ग्रुप के पोर्टल ओपन होगा। यानी कि पोर्टल दो ओपन होगा और एक साथ ओपन होगा, यानी कि ज्वाइंट यानी कि जो एग्रीकल्चर ग्रुप में जाना चाहता है पीसीएम से पीसीबी से वह काउंसलिंग कर सकते हैं। बी फार्मा वाला, उसके बाद में ऑटोमेट्री हो गया, उसके बाद में आपका फिजियोथेरेपी हो गया, उसके बाद में फिशरीज हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, इन सभी में मैथ और बायोलॉजी ग्रुप के जाएंगे और उनके लिए एक पोर्टल अलग ओपन होगा। और ओनली एग्रीकल्चर ग्रुप के जितने भी स्टूडेंट्स जिनका ट्वेल्थ में एग्रीकल्चर होगा उनके लिए एक अलग पोर्टल ओपन होगा, जो आपका बीसीसी एग्रीकल्चर, सीबीए, एमसीए, एमबीए, पीसीए ऐसे करके ओपन होगा, ठीक है। तो उस पोर्टल पे ओपन करके एग्रीकल्चर वाले काउंसलिंग करेंगे, और ज्वाइंट काउंसलिंग पर ओपन करके पीसीएम और पीसीबी वाले करेंगे। और काउंसलिंग का पोर्टल ओपन करना है जैसे कि मैंने इंजीनियरिंग का पोर्टल ओपन कर रहा हूँ इस वीडियो में, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वैसे आपको यहाँ पे करना है। अब पोर्टल ओपन करके पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करके साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, और वेबसाइट पे जाने के बाद में आप करना क्या है, साइन इन कर चुके हैं, च्वाइस फिलिंग अवेलेबल च्वाइस में आएगा, आप च्वाइस कर लीजिएगा। अब च्वाइस फिलिंग लिस्ट मैं सबमिट आपको कर दूंगा। आप रैंक कार्ड मेरे व्हाट्सअप नंबर दिया गया इस पर शेयर कीजिए, मैं च्वाइस फिलिंग लिस्ट को शेयर करूंगा, और च्वाइस फिलिंग उसी हिसाब से करना, क्योंकि मैं कुछ बेसिक वेव होता है जिसको मैं फॉलो करके आपका च्वाइस फिलिंग लिस्ट देता हूँ, जो आपको पता नहीं है फ्यूचर कैसा होने वाला है किस सब्जेक्ट में। तो देखो भाई फॉलो करते हैं, आप चाहे तो वो भी फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट कट ऑफ, कट ऑफ रैंक को देखकर बनाया जाता है, और सेकेंड आपका सब्जेक्ट यानी कि उसका फ्यूचर क्या है, थर्ड जॉब अपॉर्चुनिटी यानी कि जॉब कैसा होने वाला है, फोर्थ आपका वहाँ का कैंपस, यह चार चीज़ देखकर मैं करता हूँ। उसके बाद में पांचवा एक और चीज़ मैं कैटेगराइज कर देता हूँ, जो होती है दूरी। हाँ दूरी, डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा दूर भी नहीं जाना, क्योंकि गर्ल्स में यह गलती होती है कि डिस्ट्रिक्ट से बहुत दूर एडमिशन ले लेते, जिसके कारण उनका गार्जियन उनको सलाह ही नहीं देता जाने के लिए, जिससे होता क्या है कि अब उनका काउंसलिंग कैंसिल कराना पड़ता है, पैसा भी बर्बाद हो जाता अगर साइबर कैब से काउंसलिंग करा रहे हैं, और खुद से कर रहे हैं तो मेहनत बर्बाद हो जाता। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, अब दूरी के साथ में हॉस्टल भी, बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे हॉस्टल नहीं रहते हैं, तो हॉस्टल भी होना बहुत जरूरी है।
क्योंकि वहाँ पे आपको पैसा कम लगता है, जहाँ पे हॉस्टल नहीं रहता है वहाँ पे पैसा ज़्यादा लगता है। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसको लेना बहुत ज़रूरी होता है। अभी जैसे कि काउंसलिंग प्रोसेस में टाइम है, उसका आगे हम डेट बता रहे हैं, उससे पहले बता दें कि कुछ डॉक्यूमेंट है जो अभी जाकर अप्लाई कर दो, अगर अभी अप्लाई नहीं करते हैं तो पछताना पड़ेगा। अब कौन सी डॉक्यूमेंट है, तो देखो बहुत सारे डॉक्यूमेंट है जो अभी अप्लाई करना ज़रूरी होता है। जैसे में आपको सबसे पहले कैरेक्टर सर्टिफिकेट, हाँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं जहाँ से 12th किए हैं वहाँ से भी उनको कैरेक्टर नहीं मिला है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए जहाँ से 12th किए हैं वहाँ पे जाइए, अप्लीकेशन दीजिए और 150 दीजिए और अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले लीजिए। क्योंकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर नहीं लिए रहेंगे तो जिसके कारण आपको बाद में परेशानियाँ हो सकती है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है ब्लॉक से रिलेटेड। हाँ बहुत सारे का क्वेश्चन आता है, भैया मैं जो कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और उसके बाद में आपका निवास सर्टिफिकेट, यह तीनों कहाँ से बनवाएं, क्या नेशनल लेवल के बनाएं, क्या स्टेट लेवल के बनाएं, क्या ब्लॉक लेवल का भी चलेगा। हाँ भाई यह क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी है, यह क्वेश्चन होना भी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट का कैटेगरी कुछ और था और एडमिट कार्ड पे कुछ और है, उनका कास्ट सर्टिफिकेट कुछ और है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। सभी जगह एक ही कास्ट होना चाहिए, अगर EBC है तो सभी जगह EBC होना चाहिए, अगर EWS है तो सभी जगह EWS होना चाहिए। तो यह बात को दिमाग में रखना, यानी कि एडमिट कार्ड पे जो सा आपका कास्ट है वही कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लो। अब वह कास्ट आपका पीरियड पूर्वज होंगे तभी बन पाएगा, तो इस बात को भी दिमाग में रखना, नहीं तो अभी बोर्ड में जाकर अपना एडमिट कार्ड पर सुधार करवा लो। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं उस चीज़ को जिस गलती को आप करने वाले हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और निवास सर्टिफिकेट तीनों जो है आपको बनाना है ब्लॉक लेवल का। हाँ ब्लॉक लेवल का, और ब्लॉक लेवल में कितना पैसा लगेगा और कितने दिन में बन जाएगा, तो आपका 10 दिन में बन जाता है। और पैसा की बात करें तो आप अप्लाई करने जाते हैं ऑनलाइन तो 100-100 रुपया सब पर लगता है, तो जाइए अप्लाई कीजिए, अब बनवा लीजिए। अब देखिए अगर नहीं भी बनता है ना तो दिक्कत होगी, कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। एक UR को छोड़कर, जनरल में आते हैं तो नहीं लगेगा लेकिन बाकी सभी में कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। चलो अब निवास भी होनी चाहिए, निवास भी नहीं है तो उसके कारण आपका अलॉटमेंट लेटर कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यह तो ब्लॉक लेवल की होनी चाहिए, ब्लॉक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट लेवल का बनवा लिए, स्टेट लेवल का बना लिए, नेशनल लेवल का बना लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भैया यह डॉक्यूमेंट सी हो गई, और सारे डॉक्यूमेंट है जो डिस्क्रिप्शन में एक डॉक्यूमेंट वाला वीडियो है उसको देखकर सारे डॉक्यूमेंट को एक सीरीज में सजा लेना। जैसे कि 12th का अगर कोई भी डॉक्यूमेंट सजाना है तो 12th का सबसे पहले एडमिट कार्ड होनी चाहिए, उसके जस्ट नीचे मार्कशीट होनी चाहिए, मार्कशीट के नीचे माइग्रेशन होनी चाहिए, माइग्रेशन के नीचे आपका CLC होनी चाहिए और CLC के नीचे आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इस वेब में सजा के रखते हो और सबसे ऊपर BCEC का सारे डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, ऐसे वेब में सजा के रखते हो तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आता है और बहुत जल्दी आपका वर्क होता है। चलो यह तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो गई, अब हम डिस्कस करेंगे डेट से रिलेटेड। हाँ सही सुन रहे हैं, डेट। अब डेट की क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रही है और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट जो है यही क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी, फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी और साथ में यूट्यूब पर भी, और यूट्यूब पर तो इतने स्टूडेंट हो चुके हैं जो सारे अनसब्सक्राइब भी कर देते हैं। तो भाई अनसब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है, आप जितना वेबसाइट पर अपडेट नहीं रहते हैं उससे ज़्यादा मैं अपडेट रहता हूँ। दिन में 6 बार मैं वेबसाइट का खोज करता हूँ, वेबसाइट में मैं 6 बार रिसर्च करते रहता हूँ क्या नोटिफिकेशन आया और उसका जानकारी देते रहता हूँ, तो वेबसाइट मैं हमेशा चेक करता हूँ। तो वीडियो को लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि एक भी नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहले मैं अपने चैनल पर दे दूँगा। हाँ वीडियो नहीं बना पाता तो उसका PDF मैं शेयर कर देता हूँ, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करना चाहता हूँ। बहुत कोई का कमेंट आता है, भैया आप अर्निंग के लिए वीडियो बनाते, अर्निंग के लिए भैया नमस्कार करते हैं, मैं नहीं बनाता हूँ क्योंकि यह जो चैनल है डेट हो चुके है, यानी कि इस चैनल पर एक भी अर्निंग नहीं आती है। हाँ न्यू चैनल जो बनाए हैं अगर सपोर्ट करते हैं वहाँ पे तो वहाँ पे हो सके मैं अर्निंग कर पाऊँ जल्द से जल्द, अगर जल्द से जल्द 1K वहाँ पे सब्सक्राइब होता है तो, लेकिन यहाँ पे 1 रुपया भी अर्निंग नहीं होता है, जो मेहनत होता है आपको हेल्प करने के लिए होता है। चलिए तो अब डेट की बात कर ले, तो डेट अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आया है। हाँ ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई डेट नहीं आया है और चुतियाई आपको बना रहा है सभी कोई। हाँ
सभी कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा है कि इतने को डेट आएगा। मैं भी यह वीडियो बनाया आपको लास्ट तक इन्फॉर्मेशन देने के बाद ही डेट बता रहा हूँ, और यह अप्रॉक्स डाटा बताया जा रहा है, ना कि कन्फर्म। हो सके इस डेट को यह आ सके काउंसलिंग, हाँ हो सके इस डेट को काउंसलिंग आ सके और आपका काउंसलिंग हो सके। वह डेट है इस मंथ का लास्ट वीक, हाँ इस मंथ का लास्ट वीक आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए, और काउंसलिंग इस मंथ का लास्ट वीक स्टार्ट होता है तो आपका एडमिशन की प्रोसेस है नेक्स्ट मंथ ही होगा। नेक्स्ट मंथ में आपका एडमिशन होगा। एडमिशन से पहले अलॉटमेंट लेटर आता है, तब जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आता, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वीडियो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और उसके साथ में काउंसलिंग कैसे करना है, एक इंजीनियरिंग का मैंने काउंसलिंग किया था, सेम वही प्रोसेस होता है एग्रीकल्चर और मेडिकल फील्ड के सभी स्टूडेंट का। तो एक बार उस पे क्लिक कर लो स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है, और वहां पे जाकर वो वीडियो देख लो, जिससे आपको काउंसलिंग का प्रोसेस आ जाए और खुद से काउंसलिंग करना। चॉइस फिलिंग लिस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पे रैंक कार्ड शेयर करके ले लेना, और मैं जैसे ही फ्री होऊंगा आपका चॉइस फिलिंग लिस्ट दूंगा, और 100% राइट दूंगा, और 100% गारंटी आज ही ले लूंगा कि आपको कॉलेज मिलेगा। और नहीं मिलने वाला होगा तो 100% आज ही मैं बता दूंगा कि कॉलेज नहीं मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो। भाई कंफर्म बता रहे हैं, विश्वास करो, 2-3 बच्चे मेरे इंजीनियरिंग का विश्वास नहीं किए, खुद से काउंसलिंग किए, उनको कॉलेज भी नहीं मिला। तो ऐसा विश्वास ना करो, अगर दूसरे पर विश्वास करना है तो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन मैं गारंटी लेकर कहता हूं कि मेरे जैसा कोई इन्फॉर्मेशन और डिटेल में डिस्कस करके वीडियो नहीं बनाता होगा, या आपसे डिस्कस करके बातें नहीं करेगा, और कोई भी आपको अपने व्हाट्सएप नंबर पर इतना देर डिस्कस नहीं करेगा, और करेगा तो सबसे पहले पैसा लेगा। तो भाई पैसा के पीछे भागोगे तो जिंदगी भर पैसा देते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। एक स्टूडेंट को मदद करो, आपको भी स्टूडेंट की तरह मैं मदद करता हूँ। नमस्कार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।